हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी में ब्लड क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, हम ब्लड की डेफिनेशन और उसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ब्लड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पीएच, कलर, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ब्लड वॉल्यूम कितना होता है मेल और फीमेल में, उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम ब्लड के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ थ्री इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, थ्री इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। ठीक है, तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के तीन इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को जगह जगह पहुंचाती हैं। ओके, तो हमारा फोकस इस वीडियो का है ब्लड। इस वीडियो में हम ब्लड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि वो ब्रांच साइंस की जो ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं हम हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद देम इज हेमाटोलॉजी। ओके, तो इसमें दो वर्ड से मिलके ये बना है, हेमाटो और लॉजी। तो हेमाटो का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। ओके, तो इस ये ब्रांच साइंस की ब्लड के बारे में स्टडी करती है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के बारे में स्टडी करती है और जो डिसऑर्डर्स होते हैं या जो बीमारियां होती हैं ब्लड से रिलेटेड, उनके बारे में इसमें स्टडी करते हैं और इस ब्रांच को कहते हैं हेमाटोलॉजी। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड ब्लड। ठीक है, हमें ब्लड की जरूरत क्या है? तो गाइज, बहुत सारे सेल्स जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो मूव नहीं कर सकते। ओके, तो उन सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना, तो वो काम ब्लड करता है। ब्लड उन सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और सेल्स जो वेस्टेज एलिमिनेट करते हैं, जो CO2 निकालते हैं, वो वापस ब्लड लेके आता है। ठीक है, और वो CO2 लंग्स तक पहुंचाता है जिससे कि वो बाहर एक्सहेल कर सकें, और जो वेस्टेज हैं वो किडनी और अदर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जिससे कि वो बॉडी से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो ब्लड किस लिए चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं और सेल्स मूव नहीं कर सकते, तो चीज़ों को पहुँचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। अब ये इसमें ब्लड ही नहीं, एक और फ्लूइड काम आता है। तो दो फ्लूइड्स होते हैं, एक तो ब्लड है, ठीक है, और एक है इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ठीक है, अब क्या होता है कि इंटरस्टीशियल फ्लूइड क्या होता है, जैसे कि ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल हो गई और ये सेल्स हैं। ठीक है, अब सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट अराउंड सेल्स, उसको हम इंटरस्टीशियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंटरस्टीशियल फ्लूइड। ठीक है, तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें डिफ्यूज करते हैं और सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स गए इंटरस्टीशियल फ्लूइड में,
देखिए ये बेसिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा और समझ जाएंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगी। तो ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स गए, ऑक्सीजन गई और फिर वो सेल्स तक पहुंची, ठीक है। इसी तरीके से जब वापसी करनी होगी तो क्या होगा, जो CO2 और वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सेल्स से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज करेगा और फिर वहां से ब्लड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो ब्लड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा दैट डिजॉल्व्स एंड सस्पेंड्स वेरियस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। तो गाइस सब इसको समझने के लिए, जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लड है, तो इस टेस्ट ट्यूब में जो है ये जो है प्लाज्मा है, लिक्विड प्लाज्मा, ठीक है, एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि है प्लाज्मा, ठीक है, ये लिक्विड है और इस लिक्विड में बहुत सारे सेल्स हैं और सेल फ्रेगमेंट्स हैं और ये ही है ब्लड, ठीक है। सेल्स प्लाज्मा प्लस सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स, यही है ब्लड। तो इसमें डेफिनेशन भी हमारी यही कह रही है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कि है ब्लड प्लाज्मा और इस ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है दो कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो कि एक वाटरी लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, दैट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इस ब्लड प्लाज्मा में जो है ये वाटरी होता है, ठीक है, और इसमें कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं डिजॉल्व्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक डेफिनेशन यही देख रहे हैं ब्लड प्लाज्मा की कि एक वाटरी लिक्विड है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वाटरी लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं कुछ, ओके, वो क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके। इसमें हम बेसिक समझ रहे हैं और सेकंड जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं हमारे सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स। अब गाइस ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये मेजर पोर्शन होता है ब्लड का, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा होता है 55% ऑफ द ब्लड, ओके, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 45%, ठीक है। तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा ज्यादा होता है, ओके, 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, ओके। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में गाइस आते हैं RBCs एंड WBC एंड प्लेटलेट्स, तीन तरीके के। गाइस RBCs जो होते हैं ये मोर देन 99% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, ओके, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं तो RBCs होते हैं मोर देन 99% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके, और WBCs एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो लेस देन 1% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, ओके। अब डिस्कस करते हैं ब्लड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं कलर, टेम्परेचर, pH, ठीक है। तो ब्लड का जो कलर होता है वो ब्लड की ऑक्सीजन कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर ब्लड की ऑक्सीजन कंटेंट हाई है तो उसका जो कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा, और अगर ब्लड की ऑक्सीजन कंटेंट लो है तो उसका जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा, ओके। टेम्परेचर ब्लड का 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 1 डिग्री जो है ज़्यादा होता है हमारे ओरल टेम्परेचर से, ओके। पीएच ब्लड का स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ये 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकता है। ब्लड जो है वो थोड़ा सा डेंसर होता है एंड थिकर होता है वाटर से, ठीक है, एंड फील स्लाइटली स्टिकी और वो थोड़ा चिपचिपा भी होता है। अच्छा, ब्लड वॉल्यूम अब कितना होता है, एक एडल्ट मेल में जो कि एवरेज साइज का है उसमें ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ब्लड वॉल्यूम हो सकता है 5 to 6 liters, ठीक है, और एक एडल्ट फीमेल में जो कि एवरेज साइज की है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो हो सकता है 4 to 5 liters, ओके। सो गाइज अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, वो है इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो गाइज पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी कर दीजिए,
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिस ना हो और वीडियोस के। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो गाइज सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, जैसे कि ऑक्सीजन को। ये ब्लड जो है ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, CO2 को बॉडी सेल्स से लंग्स तक पहुंचाता है जहां वो फिर एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स को बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और वेस्ट मटेरियल्स को सेल्स से डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है जिससे कि वो बॉडी से एलिमिनेट हो सकें। ओके, तो गाइस ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो गाइस दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड का वो है प्रोटेक्शन। अगर कोई इंजरी होती है तो ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, ब्लड कैन क्लॉट। तो जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड जो है वो नहीं हो पाता फ्रॉम द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आफ्टर एन इंजरी। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो कि ब्लड में होता है। ओके, अच्छा, ब्लड में WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें डिजीजेस से। ओके, और सेवरल टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन्स भी होते हैं ब्लड में, जैसे कि एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज जो कि हमें प्रोटेक्ट करती हैं डिजीजेस से। तो गाइज ये है सारा ब्लड के बारे में ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है kcsciencetalks_neatbiology। तो गाइज वहाँ पे मैं बहुत अच्छी पोस्ट, रील्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, और हर एक पोस्ट से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो गाइज अब मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।